और बढ़ते आगे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 दिसंबर को एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा आए थे। वापस लौटने के क्रम में तिलदाग पंचायत के ग्रामीणों और योजनाओं के लाभुकों से संवाद किया था। उसी कार्यक्रम में चेरी पोखर गांव की कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली बेबी कुमारी ने अपने घर के हालात की जानकारी देकर आगे पढ़ने की इच्छा जताई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गढ़वा डीसी रमेश घोलप को बेबी कुमारी की शिक्षा में कोई रुकावट ना हो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसी क्रम में डीसी रमेश घोलप खुद अधिकारियों की टीम के साथ बेबी कुमारी के घर पहुंचे और कई योजनाओं के स्वीकृति पत्र दी बेबी कुमारी को। और साथ ही आपको बताया कि बेबी कुमारी को सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और उसकी बहनों की कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति की जो योजना है उससे जोड़ा गया और अब कल्याण विभाग के छात्रावास में रहकर बेबी कुमारी आगे की पढ़ाई करेगी। साथ ही बता दें कि मां ललिता देवी को बकरी पालन के लिए मुख्यमंत्री पशुधन योजना से जोड़ा गया है और साथ ही मनरेगा से 1.45 लाख की लागत का पशु शेड भी स्वीकृत किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि पिता इंद्रेश राम को भी आय आवासीय जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से 5 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। क्या नाम है आपका? बेबी कुमारी, घर चेरी पोखर, पिता का नाम इंद्रेश राम, जिला पंचायत गढ़वा, थाना जिला गढ़वा, डीसी सर आए थे, हम वहाँ तिलदाग जाके मिलल थे हेमंत सोरेन सर से, तो वहाँ से हमको मिलल था कि हाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछे, हमको पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ कमी हो रहा है, वहाँ से बोला गया कि हाँ हम करेंगे। यहाँ आए सर, डीसी सर बोले कि हमको पढ़ाई खातिर बोल दिए, हेल्प करने खातिर, मम्मी का पशु शेड के लिए, बकरी पालन के लिए, पिताजी के होटल के लिए मिल गया 5 लाख रुपया। और तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हो? सर हम टीचर बनना चाहते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बेबी कुमारी की का जो सपना था उसे साकार किया है सीएम हेमंत सोरेन ने, परिवार में खुशी की लहर, क्या कुछ जानकारी? जी रसीम, मैं आपको बता दूं कि 8 दिसंबर को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने खतिहानी जोहार यात्रा की यहाँ से शुरुआत की थी। उसी दौरान उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि कोई भी पंचायत में वो लोगों से संवाद करेंगे और उसी दौरान तिलदाग पंचायत में यह आयोजन किया गया था। उसी संवाद में उसी पंचायत की चेरी पोखर की एक 12वीं पढ़ने वाली लड़की बेबी कुमारी पहुंची। उसने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि वो पढ़ना चाहती है लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते वो नहीं पढ़ पा रही है। वहीं पर मुख्यमंत्री ने डीसी को निर्देश दिया था कि उसकी जो पढ़ने की इच्छा है उसे पूरी की जाए। उपायुक्त ने बेबी कुमारी के घर पहुंचकर उसकी सारी स्थिति का जायजा लिया तो उन्होंने पाया कि इनकम का कोई स्रोत नहीं है। तो उपायुक्त ने तत्काल अपने जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया कि उनके पिता को पहले रोजगार दिया जाए, उनकी माता को बकरी पालन और पशु शेड दिया जाए और उनकी जो 6 बहनें हैं उन्हें भी पढ़ाई कैसे पूरी करेंगी और कहाँ कहाँ पूरी करेंगी सारी योजना बनाते हुए जो बेबी कुमारी है जिन्होंने पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी उन्हें 5 लाख का कल्याण विभाग से पढ़ाई के लिए ऋण भी स्वीकृत कर दिया गया, उन्हें कल्याण विभाग के छात्रावास में रहने की अनुमति भी दे दी गई है। जी जी, शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।